डीपीओ फैसल शहजाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम अल हराम में अमन अमान के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें शिया उलमा काउंसिल मुतहदा उलमा मुशायर काउंसिल समेत मुंतज़मीन ने जुलूस व मजालिस शरीक हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, इजलास में क्या फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, मुहर्रम में अमन अमान के हवाले से जिन हवाले के एक उलमा इकराम और शिया उलमा काउंसिल और उलमा मुशायर काउंसिल के अहदेदारान ने शिरकत की। इसके अलावा मुख्तलिफ जो इमाम बारगाने हैं उनके जो मुंतज़मीन हैं और मुख्तलिफ मुजाहिद के जो लाइसेंस दारान हैं उन्होंने भी शिरकत की। डीपीओ का ये कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम हराम में जिला मुजफ्फरगढ़ में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उनकी फोर्स तैयार है और डीपीओ ने तमाम उलमा इकराम से तजावीज भी ली और उनको ये कहा कि वो तआवुन करें ताकि मुल्क में अमन अमान की फिजा कायम रह सके। अमन अमान की फिजा कायम रह सके। शुक्रिया वकार आपका।